बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि राजधानी जयपुर से आ रही है। विधायकों से फीडबैक का आज आखिरी दिन है। आज जयपुर संभाग के विधायकों से चर्चा होगी। दोपहर 2 बजे शुरू होगा ये फीडबैक का कार्यक्रम। सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और डोटा स्टाफ फीडबैक लेंगे। आज 9 जिलों के विधायकों से लिया जाएगा ये फीडबैक। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे हमारे संवाददाता दिनेश डांगी। दिनेश, क्या कुछ जानकारी आज आखिरी दिन रहने वाला है 1-to-1 संवाद का? जी बिल्कुल, आज विधायकों से फीडबैक लेने का आखिरी दिन है और आज 2 संभाग है और 9 जिलों के विधायक है, उनसे फीडबैक लिया जाएगा। जयपुर जिले के विधायकों से भी फीडबैक का कार्यक्रम आज है। बीकानेर संभाग के विधायकों से फीडबैक लिया जाएगा। आज थोड़ा समय में तब्दीली की गई है, दोपहर 2 बजे फीडबैक लिया जाएगा क्योंकि सीएम अशोक गहलोत तो अपने प्रोग्राम में व्यस्त रहेंगे। काफी अहम कलेक्टर और एसपी की कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें जाने के चलते ये 2 बजे का प्रोग्राम रखा है। तो देर शाम तक आज फीडबैक का दौर यहाँ पर जारी रहेगा और फीडबैक के बाद जैसा कि मैंने बताया रंधावा दिल्ली या पंजाब लौट जाएंगे, उसके बाद वो रिपोर्ट तैयार करेंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे किस तरह और सर्वे कराए जाने हैं, किस तरह विधायकों की जो टिकट है वो तय करनी है या काटी जानी है, सरकार को और बेहतरीन काम क्या करने हैं, किस तरह योजनाओं का इंप्लीमेंट प्रॉपर तरीके से कराना है संगठन का। जैसे कल गोविंद सिंह डोटासरे ने कहा कि अगले 15 दिन में पीसीसी और जिला कांग्रेस कमेटी का विस्तार हो जाएगा, तो इस तरह फीडबैक के आधार पर इनके फैसले यहाँ पर लिखे जाएंगे। पूरी तरह से चुनावी मोड में कांग्रेस पार्टी आ चुकी है, कोई और भी अहम सुझाव आया तो उसे भी लागू किया जाएगा। बातचीत में जाहिर सी बात है कई चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, ये खुद कल प्रभारी रंधावा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था। तो आज फीडबैक का आखिरी दिन है, तमाम विधायकों से शाम को फीडबैक कम्प्लीट हो जाएगा। जी दिनेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दिनेश डांगी ने बताया कि किस तरह से आज 1-to-1 संवाद का आखिरी दिन है जहां पर 9 जिलों के विधायकों से फीडबैक लिया जाएगा। आगे की स्ट्रैटेजी तैयार होगी किस तरह से, उसके बाद पूरी फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी, उस फाइनल रिपोर्ट के बाद चुनावों को लेकर रणनीति तय की जाएगी, किस तरह से कामकाज होगा कांग्रेस पार्टी को लेकर, किस तरह से सरकार को रिपीट कराने का पूरा इनका स्ट्रैटेजी होगी। 1-to-1 संवाद का आज आखिरी दिन है।